हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव यशा मुदगल जी, सीजीएम नाबार्ड श्रीधर जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, विशेष रूप से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के सम्मानित अध्यक्ष, सदस्य, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर के सहकारिता के इतिहास में मुझे लगता है कि ये पहला अवसर होगा जब सहकार की भावना से जम्मू कश्मीर की आर्थिक धारा को सशक्त बनाने के लिए एक साथ इतने प्रोजेक्ट या तो शुरू किए गए हैं या तो कई प्रोजेक्ट जो पहले शुरू हुए थे वो पूरे हुए हैं। इस दृष्टिकोण से 2023 का सहकारिता सप्ताह मुझे लगता है कि इतिहास में बराबर याद किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तथा भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर निर्मित करने की प्रक्रिया में सहकारी समितियों के लिए जितने भी नए इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं चंद बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। मोटे तौर पर लगभग 6 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज हमारे देश में हैं और देश की 25 करोड़ आबादी इससे जुड़ी हुई है। जब से भारत सरकार ने नया मंत्रालय बनाया, 2 लाख नए पैक्स बनाने का एक लक्ष्य रखा था, उसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी था जिसे जम्मू कश्मीर ने पूरा किया है। एक बात हमें विशेष रूप से समझनी चाहिए कि रूरल इकोनॉमी को या रूरल क्रेडिट को सबसे प्रभावी ढंग से अगर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है तो उसका माध्यम कोऑपरेटिव ही हो सकता है, कोऑपरेशन ही हो सकता है। और जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, 2047 तक विकसित भारत बनेगा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है, तो उसमें सहकारिता के क्षेत्र का योगदान किसी क्षेत्र से कम नहीं होगा। इस भावना के साथ भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अब इसमें आवश्यक जो मूल बात है, मुझे लगता है कि वो हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये हमारी संस्कृति की धरोहर रही है और सहकारिता की मूल भावना यही है, कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि इसी अभाव के कारण देश के कुछ हिस्सों में सहकारिता आंदोलन को बहुत धक्का लगा। भ्रष्टाचार तो एक प्रमुख कारण था ही। मुझे लगता है कि ये जो मौलिक विषय हैं इनसे हम कभी न भटकें, ये बड़ा आवश्यक है। और कुछ बातें यहाँ कही गई हैं, मैं जीवन आमतौर पर जीवन को हम प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं, प्रत्येक दिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन अब गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस प्रतिस्पर्धा के पीछे भी जो मूल मंत्र है वो सहकारिता ही उसका मूल आधार है। चाहे व्यक्ति हो, गांव हो, शहर हो, सभी अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस सहयोग और संगठित प्रयास की वजह से ही पूरे समाज की प्रगति हो सकती है। परस्पर सहयोग की बुनियाद पर ही समाज का ढांचा खड़ा है और अगर सहयोग न हो तब एक दिन भी जीवन में गुजरना मुश्किल हो जाता है।
सहकार की संस्कृति कोई नई शुरू हुई है ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में भी जो मंत्र लोग बोलते हैं, सहना भवत सहनो भुनतु सवीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीत मस्तु मा विदविषा वही, वहीं से सहकार की भावना का प्रारंभ होता है ऋग्वेद से। हम एक साथ रहें, एक साथ काम करें, एक साथ सब मिल करके उन्नति करें, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही। और इसलिए गाँव की आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन, सामाजिक समरसता के लिए सहकारी समितियां सबसे सशक्त माध्यम है। मोटे तौर पर जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, लगभग 70% आबादी एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। और अगर हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जो जुड़े हुए हमारे भाई बहने उनको जोड़ लें, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी आबादी के जीवन में पूर्ण बदलाव में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन और उनके साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 सालों की जो प्रगति है, अभी CGM नाबार्ड को मैं सुन रहा था, बाकी किसी राज्य से जम्मू कश्मीर की तुलना करना, मैं समझता हूं कि हमको जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि को देखना होगा, फिर तब तुलना करनी होगी। अभी 2 साल पहले तक तो हम लोग इसमें लगे हुए थे कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से शांति बहाल हो जाए, लोग सुरक्षित रहें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो अब आज जो अभी मेहता जी ने कई आंकड़े बताए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शांति स्थापित करके, आम आदमी का जनजीवन सुरक्षित करके, अब बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के हौसले भी यहाँ के लोग देखने लगे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि सहकारिता के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। 2 सालों की जो हमारी रफ्तार है, वो रफ्तार हमें भरोसा देती है कि आने वाले बड़े से बड़े लक्ष्य भी हम प्राप्त करें। कोऑपरेटिव बैंक के लिए पैसा समिति बनी है, समिति विचार करके, जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है, क्योंकि इस बात से हम सहमत हैं कि जब तक कोऑपरेटिव बैंक ठीक से फंक्शनल नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट पहुंचाना बड़ा मुश्किल होगा। खासतौर से छोटे जो किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, हमारे जो वीवर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनका जीवन बदलने के लिए बड़ा आवश्यक है। और इसका विस्तार जितना व्यापक होगा, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में उसी अनुपात में समृद्धि आएगी। अभी CSE सेवाएं, कंप्यूटरीकरण, तमाम योजनाएं यहाँ प्रारंभ हुई हैं। G2C माने सरकार से नागरिक और व्यवसाय से नागरिक, B2C के अलावा शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, बैंकिंग, अनेक क्षेत्रों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहुँचा है। पैक्स को PM किसान समृद्धि केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब जो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है, उसमें खिदमत सेंटर खोलने का भी प्रस्ताव है। सलेंदर नहीं है, लेकिन मुझे ये आपसे अनुरोध करना है कि उनके साथ बैठ करके चर्चा करके इसे भी कैसे हम कोऑपरेटिव के साथ खिदमत सेंटर को जोड़ सकते हैं, ये हमें विचार करना होगा। मैं एक सहकारी जन आंदोलन के संबंध में एक पुरानी बात मैं आपसे, अमूल का, लिज्जत पापड़ का, ऐसे 10-12 जो चर्चित नाम है, उसकी चर्चा हर जगह होती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी क्रांति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे, हम जहाँ के रहने वाले हैं उसके बगल में एक जिला है जौनपुर, वहाँ एक गाँव है, छोटा सा गाँव है, वहाँ एक ठाकुर तिलक धारी सिंह हुए और उन्होंने एक सहकारी समिति प्रारंभ की। गांव के हर एक परिवार से कोई न कोई एक सदस्य उस समिति से जुड़ा। देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, एक पैसा सरकार की ओर से मदद नहीं मिली थी, गांव वालों ने ही पूंजी इकट्ठा करी। और उस जमाने में आज़ादी के पहले समिति ऋण देती थी, आटा पीसने, धान तैयार करने, तेल की मशीन, चीनी तैयार करने की मशीन, हस्तकला के छोटे छोटे उद्योग सहकारी समिति ने गांव में लगाए। इसके अलावा
गांव के सभी रास्तों पर प्रकाश के लिए उस समय बिजली नहीं थी, तो बांस लगा करके बैम्बू पर लालटेन लगाने का काम किया। उस जमाने में सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए तालाब और कुओं की पर्याप्त व्यवस्था सहकारी समिति के द्वारा की। गांव के अलग अलग मोहल्लों में चारा काटने की मशीन लगाई गई। विभिन्न मोहल्लों में शौचालय उस जमाने में बनाए। स्वच्छता की जिम्मेदारी भी सहकारी समिति ने अपने कंधे पर ली। एक चौकीदार उस समय रखा गया जो रात को पहरा देता था। बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान भी सहकारी समिति ने बनाई और खेल का सामान भी उन्हें उपलब्ध कराया। प्राथमिक पाठशाला सहकारी समिति ने बनाई। श्री चंद्र प्रकाश पुस्तकालय कुद्दूपुर की स्थापना ये 1941 में उस समिति ने की थी। शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान उस सहकारी समिति के पास हुआ करते थे। जिस परिवार में शादी होती थी वहाँ ये सामान जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराए जाते थे। 1958 में कुछ लोग उस सहकारी समिति में तय किए कि साहब हमको बड़ा काम करना है। उस जमाने में 15,000 रुपये की लागत से 1958 में एक विशाल पंचायत घर उस गांव में, उस पंचायत में उस सहकारी समिति ने बनाया। और जौनपुर में मैंने बहुत बड़ा महाविद्यालय, जो मैं कहूँ कि कई विश्वविद्यालयों से बड़ा होगा, तिलकधारी सिंह महाविद्यालय बनाने में भी उस सहकारी समिति की बड़ी अहम भूमिका रही है। तो हमारे देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। मैं समझता हूँ कि जो बात समिति का काम देखने जो लोग गए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि समिति पूरी तरह से गांव वालों की है, इसके संचालन और निरीक्षण पर भी उनका पूरा अधिकार है, अपने उत्तरदायित्व के गौरव के साथ निभाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर हम सब ये बात बराबर ध्यान में रखें तो सहकारिता तो वास्तव में हमारे संस्कार में है। अगर ब्रिटिशर्स की दमनकारी नीतियों के बावजूद उस जमाने में एक गांव में इस तरह की सहकारी समिति इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, तो आज तो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, अन्य अनेक प्रकार के सपोर्ट की उपलब्धता से सहकारी समितियां गांव के सामाजिक आर्थिक विकास का मेन ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। हमें नए सिरे से लक्ष्य तय करने होंगे। 50 के दशक से बाद से देश के सहकारिता आंदोलन को कुछ धक्का लगा हो, हाशिए पर चला गया, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि एक नई ऊर्जा, नया उत्साह पूरे सहकारिता के क्षेत्र में पैदा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि चोरी करे निहाय के दे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखे केतिक दूरी विमान। यानी धोखे से बचना ये बड़ा आवश्यक है। ऋण या आर्थिक जरूरतों के लिए ईमानदारी और जमा धन से सहकारी समितियों को सफल बनाने की नीयत ये बराबर रहनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुउद्देशीय स्वरूप वाली जितनी जो समितियाँ गठित हो रही हैं, इनसे आय भी बढ़ेगी। पैक्स को अनेक काम दिया गया है ताकि वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, और इसके लिए मैं अपने सहकारी विभाग के सचिव और उनकी पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ। जो नए इनिशिएटिव डेयरी और टूरिज्म के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्रों में यहाँ के लोगों ने लिए हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो निश्चित रूप से अब हमारे रोल मॉडल हैं। ऐसे अनेक लोग आने वाले दिनों में जरूर जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान देंगे। कोऑपरेटिव फेडरेशन का मिल्क ब्रांड, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। यह अर्थतंत्र का बहुत बड़ा वाहक हो सकता है। आप सब जानते हैं कि 80 किसानों से डेयरी सेक्टर में खेड़ा में जो सोसाइटी बनी थी, आज उसका टर्नओवर 55,000 करोड़ पहुंच गया है। मैं आप सब
से अनुरोध करूंगा कि अब हमारी गति काफ़ी अच्छी है, गाँव का संपूर्ण विकास और ऐसे तबके का विकास जो कहीं न कहीं वंचित रहा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, नारी हो या हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, मुझे लगता है कि ये कोऑपरेटिव की बड़ी भूमिका होगी और आने वाले दिनों में ये काम और बेहतर हो, ये हमारी अपेक्षा है सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिए। आयकर कानून में राहत का प्रावधान भी भारत सरकार ने किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में सभी योजनाओं का विवरण सहकारी समितियों तक तो पहुंचे ही, लोगों तक हम कैसे इसे पहुंचा सकते हैं, जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए उसकी भी जानकारी, लोग जागरूक हों। सहकारी समितियां, मैं मानता हूं, न सिर्फ गांव की सभी समस्याओं का हल कर सकेंगी बल्कि ग्रामवासी की खुशहाली और समृद्धि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। सहकार के वैल्यूज और सिद्धांत को प्रोटेक्ट करते हुए समितियों की पहुंच, उनकी रीच बढ़ाना, माइग्रेशन रोकना, वंचित वर्ग की आय में वृद्धि, युवाओं और महिलाओं का अधिक से अधिक इंक्लूजन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करना सहकार के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा जरूरी है। आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुरूप सहकारी समितियों को बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि गांव की आर्थिक तरक्की और सामाजिक उन्नति का माध्यम सहकारी होगा। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।